अब हम सीखते हैं कि ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करवाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से। ठीक है, जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली तो अब ग्रेड कैलकुलेट कराना भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। उसको हम यूज करेंगे एक दूसरे फंक्शन से जिसका नाम है वी लुकअप। ठीक है, इसके लिए पहले हमें ग्रेडिंग टेबल बनाना होगा। ग्रेडिंग टेबल आप डिसाइड कर सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप ग्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं या किसी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं उस तरह से आपने ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। जैसे मैंने 0%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% पे एक ग्रेडिंग सिस्टम को डालना है। तो फेल यहाँ पे कर दिया तो ई डी सी बी ए और ए वन और डबल ए वन, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक ग्रेडिंग सिस्टम को अपना खुद बना लिया। एक ग्रेडिंग सिस्टम को टेबल का एक बॉर्डर भी दे दिया। तो अब यहाँ पर ये इसी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करेगा। मेक श्योर कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना बल्कि इस तरह से उतारना है आपने। ठीक है, और ग्रेड्स भी इस तरह से ही आपने इस पे करने। अच्छा, अब यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताते हैं। देखिए, इस ग्रेडिंग सिस्टम में दो कॉलम है, एस कॉलम और टी कॉलम। हर कॉलम में कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेसिकली एक्सेल को कॉलम के नाम पता है और रो नंबर पता है, यानी कि ये T11 है, ये T11 है। इन सबको एक नया नाम देंगे हम। यार ये भी नई चीज सीख रहे हैं आप कि सेल्स को जो नाम बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके एक नाम देने वाला हूँ। कैसे दूंगा, पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया जिस एरिया को नाम देना है। फॉर्मूला में जाना है, डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्मूला के टैब में जाकर डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इसका नाम क्या रखना है। कोई भी नाम रख सकते हैं, बस याद रखना है स्टार्ट विद लेटर नॉट नंबर विदाउट स्पेस। स्टार्ट विद लेटर नॉट नंबर और विदाउट स्पेस का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका नाम हम रख लेते हैं सपोज टू बी माई ग्रेड। ठीक है, माई ग्रेड विदाउट स्पेस है, विदाउट नंबर है और ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये नाम इस पे असाइन हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे इसका नाम असाइन हुआ या नहीं। इसके दो तरीके, आप यहाँ क्लिक करें, नेम बॉक्स में आइए। अगर आपको आपका गिवन नेम यहाँ दिखाई देता है और उस पर क्लिक करने पर वो टेबल सेलेक्ट होता है, इट मीन्स कि ये नाम इस पे असाइन हो चुका है। ठीक है, और अब अगर आपने जो नाम असाइन किया है ये डिलीट करना है तो आप यहाँ पर आएंगे फॉर्मूलाज में, यहाँ से नेम मैनेजर में आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे अपना दिया गिवन नेम और उसको डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे तो वो नाम इसमें से रिमूव हो गया है। अब वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। चलिए दोबारा दे देते हैं, सेलेक्ट डिफाइन नेम माई ग्रेड्स। ठीक है, ओके कर दिया। अब उसके बाद कहाँ ग्रेड लेना है। अब हुआ ये है कि ये जो दो कॉलम और 9 रोज थे इनका एक टेबल बन गया है। उस टेबल का नाम क्या हो गया है, माइग्रेट्स। और माइग्रेट्स के कितने कॉलम है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। और कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रोज है। ठीक है, यानी कि माइग्रेट्स टेबल के दो कॉलम है और 9 रोज है, ये बात रखनी है अपने याद। माइग्रेट्स टेबल के दो कॉलम, पहले कॉलम में परसेंटेजेस मौजूद है और दूसरे कॉलम में ग्रेड्स के लेटर्स मौजूद है। ठीक है, और इसकी 9 रोज है। ठीक, अब आपने जहां ग्रेड लेना है वहां क्लिक करना है, यानी कि इस सेल पर। यहां लेने के बाद आपने फार्मूला में जाना है और लुकअप एंड रेफरेंस पे क्लिक करना है। लुकअप एंड रेफरेंस में आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है लास्ट में वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप एक फंक्शन है जो आपको ये मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि किस तरह परसेंटेज से ग्रेड को कैलकुलेट करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन देगा लुकअप वैल्यू, माना वैल्यू को लुकअप करें। तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट एडजस्टेड वाली वैल्यू जो है जिसमें परसेंटेज लिखी है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस सेल का रेफरेंस आ जाएगा फर्स्ट में। दूसरे वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पर कह रहा है टेबल एरे नेम। याद रखें मैंने आपको टेबल नाम बताया था, टेबल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे कहते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने उसका नाम क्या रखा था, माइग्रेट्स। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप टाइप कर दें उसका नाम बिल्कुल सही सही, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ MAIGRADES ग्रेड्स। तो जैसे आप देखेंगे वो सारा डेटा जो यहाँ पे दो कॉलम्स में था वहाँ एक रो के अंदर आपको नजर आ जाएगा। अगर आप भूल गए कि यार पता नहीं क्या नाम रखा था, देखो मैं देख लूँ, तो फिर आप यहाँ क्लिक करें, फार्मूला के टैब में जाएं और यहाँ पे आइए यूज इन फार्मूला में। जितने नाम आपने असाइन कर रखे होंगे जिस जिस सेल के जो जो दिए होंगे वो यहाँ नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपका भी नाम होगा, उस पर सेलेक्ट कर लें तो वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है, ठीक है मैं P4 सेल की वैल्यू को लेकर आऊंगा, ओके P4 में ये वैल्यू होगी, उसको मैं चेक करूंगा माइग्रेट्स में। अब माइग्रेट्स में कैसे चेक करेगा, वी लुकअप कहता है कि मैं इसको ऐसे चेक करूंगा P4 में जो भी वैल्यू है वो ये है, उसको लाके मैं माइग्रेट्स के पहले कॉलम से चेक करूंगा इस तरीके से।
और देखूंगा वो वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है। वो वैल्यू फॉल कर रही है 80 और 90 के बीच में, तो जहां पर अगर वो फॉल कर रही होगी तो मैं उसके बराबर वाले कॉलम से ग्रेड ले लूंगा। तो बराबर वाले कॉलम का नंबर क्या है भाई, अगर ये पहला कॉलम है माइग्रेट का तो ये दूसरा कॉलम है माइग्रेट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलवेज 2। जैसे ही 2 लिखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसका ग्रेड कैलकुलेट हो चुका है, और ग्रेड कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे। ओके लिखने के बाद देखेंगे आप यहाँ ग्रेड कैलकुलेट हो गया 1 का, और उसके बाद जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग करेंगे सबके ग्रेड्स आपके सामने कैलकुलेट हो जाएंगे, और फिर आपके सामने जो है ये इस तरह से डेटा आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो एक दफा जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुकेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जैसी वैल्यूज डालना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल भी खुद ही होने लग जाएगा। और यहाँ पे इसकी परसेंटेज और ग्रेड भी इसका निकल आएगा। सही है, समझ में आ गई बात ये? तो इस तरह से आप परसेंटेज और ग्रेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंपाइल कर सकते हैं।